सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज लिस्ट बॉक्स में और लिस्ट बॉक्स के अंदर सर्चेबल लिस्ट बुक्स के बनाने के बारे में, ठीक है? तो हम यूजर फॉर्म पे इसको पहले करके देखते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट पे ही करने को ट्राई करेंगे। जैसे कि मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं और टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पे नेम, अगर जैसे कि मैं इसको प्ले करूं और यहां पे नेम जैसे मैंने पी लिखा, तो पी से जितने भी नेम स्टार्ट हो रहे, जैसे पूजा और पुनीत हो रहा है ना, पूजा और पुनीत यहां पे आ जाना चाहिए, समझे सर? पूजा और पुनीत जो है इसमें आ जाना चाहिए, क्लियर है? तो लिस्ट बॉक्स में आएगा ना हाँ, तो नीचे। लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए मतलब। तो कैसे करें? इसके लिए मैं यहाँ एक लिस्ट बॉक्स लेता हूं, प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें। जैसे मान लीजिए पी हम करते हैं, तो हमें पी से स्टार्ट होने वाले चाहिए, समझे? जैसे मैंने पी लिखा तो क्या करें, अब पी लिखा हमने, पी लिखा तो पी लिखते ही सबसे पहले क्या करें कि हर वो ये कितना लेटर है, इसका लेन क्या है, इसका लेन है वन, वन है ना, तो हर लेटर में लेफ्ट से एक लेटर अलग कर, समझे? और फिर पी जो मैच कर रहा है, अब मैंने पी की जगह पे टू कर दिया तो दो लेटर हो गए, तो दो लेटर अलग करेगा, फिर इसको मैच करेगा, समझे सर? इसी मेथड को फॉलो करता है। तो एक बार आते हैं हम वीडियो प्रोग्रामिंग में, इस पे डबल क्लिक करते हैं, चेंज चेंज में यहां पे हम करते हैं टिम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन, ठीक है? यहां पे करते हैं फोर आई इक्वल टू, चले टू टू कितना, टू से 13, नेक्स्ट आई। फिर यहां पे करते हैं डिम एन एज ए स्ट्रिंग, और डिम सी एज ए लॉन्ग। तो यहां पे हम एन इक्वल टू कर देते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल, और सी इक्वल टू हम करते हैं लेन एन, एन बिंग पे कितना करेक्टर्स, ठीक है? और यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ रेंज लेफ्ट लेफ्ट रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू कॉमा सी इज इक्वल टू एन, देन एंड दैट
dt.add रेंज a के साथ i डॉट वैल्यू कॉमा cstr, ये तो पता ही है ना सर, बता रखा हूं मैं इसको जी, रेंज a के साथ i डॉट वैल्यू यहां पे और लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू dt और उससे पहले मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, हर बार क्लियर कर देगा और एरर आने के चांसेस है तो हम ऊपर ही कर देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको प्ले ले करते हैं, यहाँ पे सी एस टी आर मार्क्सर यहाँ पे ऐड करना, कैपिटल एक बार मैं इसको ऑन एरर हटा के देखता हूँ, लिस्ट नहीं आएगा, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट बॉक्स वन डॉट डॉट करिए जरा, डॉट क्या बोल रहा है, लिस्ट होगा, ऐड आइटम नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ पे dt, हाँ इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है, इक्वल ही लगता है इसमें तो, एरर है ना, नहीं काम और कर सकते हैं यहाँ पे, और ये नहीं लग रहा तो इसको हटा देते हैं, लिस्ट लिस्ट नहीं होगा तो कुछ और होगा, ये लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट ही होता है, ये ऐड वाला जो सिस्टम है ना इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट ऐड आइटम और ये डाल देता हूँ, ठीक है, अब तो चलना चाहिए ना, तो इसमें वो ये नहीं लेगा ना, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं लेगा, सब यूनिक वैल्यू नहीं लेगा, आ गया, तो अगर तीन पूजा हो तो तीन दिखाएगा, लिस्ट क्यों नहीं ले रहा है, एक बार ये चेक करना है, डीटी डॉट एड CSTR well. Add item DT नहीं होगा, एक लिस्ट है, लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, यहाँ पे कम और कर सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं फॉर्म, अच्छा हाँ एरे में देते हैं, माफ कीजिएगा जी, फोर इच
आइटम इन टीटी, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम डॉट यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम, ठीक है, आप ले लीजिए। अब यहाँ पे पूजा अमित आ गया ना, आर अभी तो अगर ये लिस्ट में अगर तीन पूजा है तो कैसे दिखेगा? दो चीज करना होगा और थर्टीन के जगह पे मुझे 21 या फिर इसको ऑटोमेट कर देना होगा। जी ऑटोमेट कैसे करते हैं बताइए आप। जी अब यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे पूजा किया तो एक ही पूजा आ रहा है, दो पूजा है एक ही आ रहा है क्योंकि वो कलेक्शन से ले रहा है ना इसलिए। हाँ, अब एक ही चीज और हम कर सकते हैं यहाँ पे, पहले चीज अब यहाँ पे दो चीज करनी है। पहला तो सबसे पहले तो मुझे इसको डिसेबल रखना है, इसकी विजुअल को फॉल्स कर देना है, मतलब कि दिखना नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पे हम जब आएंगे नीचे तो यहाँ दिखना चाहिए मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये क्यों किया समझ नहीं है, मैं बताता हूँ इसका रीजन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज और किया, इस पे डबल क्लिक किया और मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम प्ले किए, अभी नहीं दिख रहा है ना, जैसे मैंने पी लिखे तो लिख क्या ना चाहिएगा, ये लिस्ट बॉक्स डॉट वैल्यू लिखा हुआ है ना। हाँ, क्या बोलोगे ना, यहाँ पे वैल्यू की जगह विजुअल होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन करिए क्या कर रहा है। पी लिख कहीं आ गया जी। जैसे मैंने पूजा पे क्लिक किया और यूजर सम डॉट क्लिक हो गया, एक गड़बड़ हो गया, एक कोड यहाँ एक कोड जो है ना यहाँ पे अब सही है। मैंने पी लिखा, अभी अभी नहीं दिख रहा है ना जो फॉर्म पे, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने जैसे ही यहाँ पे पी तो लिखा, ये अभी लिस्ट आया ना सर। नहीं नहीं, ये थोड़ा ये लिस्ट बॉक्स क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैं पूजा, मैं बताता हूँ आपको, जैसे पूजा पे क्लिक किया पूजा यहाँ आ गया। पूजा से हट जाना चाहिए। लिस्ट विजिबल ट्रू लिखा हुआ है ना ऊपर, वो फॉल्स हो जाना चाहिए ना ऊपर वाला, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये फॉल्स। दोनों जगह पे गलती कर दिया, फॉल्स और यहाँ नहीं, लिस्ट विजिबल फॉल्स यहाँ दिखा, यहाँ भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो गया तो दिखाई गई नहीं होगा, ट्रू होगा मतलब। यहाँ पूजा किया, पूजा पे क्लिक किया, लिस्ट चला गया, लग गया जी। जैसे कि हमारे फंक्शन में होता है ना, इक्वल करते हैं, फॉर्मूला देते हैं और फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया, गायब हो गया। सेम यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे डाला पी अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर पे दिक्कत है कि स्मॉल और कैप पे फंगा है, तो क्या करेंगे हम अपर अपर या लोअर, तो इसको एन को क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लेफ्ट और इक्वल टू है, इसको यू केस में डाल दोगे। तुम डालो कुछ भी डालो ये अपर केस में कन्वर्ट करते ही, ठीक है, और एन को भी अपर केस में कर देते यू और इसको
ठीक है, अब इसको प्ले करते हट गया ये फाइल, सेव करके भेज दीजिए सर ईमेल। ये तो यूजर फॉर्म में हुआ। हाँ। अब सेम चीज आपको करनी है, आपको बना के मुझे भेजना है, लेकिन ये चीज करनी है आपके यहाँ पे कि मैं यहाँ पे गया टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कॉम्बो बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स, क्या आपने टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए या एक्सेल ले लीजिए, आप एक्सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सेल आपने ले लिया तो मुझे इसके यहाँ पे सजेशन चाहिए, जो सेम जो हम यूजर फॉर्म में किए है ना, मुझे सीट पे चाहिए, चाहे आप यहाँ एक्सेल पे टाइप कर लें या आप यहाँ पे टाइप कर लें और आप वैल्यू को यहाँ शो करवा लें या आप शो करवा लें यहाँ पे इसमें, आपको जो सजेशन जो अच्छा लगता है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये अभी जो यूजर फॉर्म में बना है उसको वही एक्सेल में बनाना है सर। जी जी, अब एक चीज आपको करके देनी है, पता तो चलेगा कि इतना आपने सीखा है, ठीक है। और सर एस